कल DRDO द्वारा बनाए गए COVID-19 अस्पताल का जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है वो कल उद्घाटन किया, और उसके बाद आज रविंदर रैना जी ने इस अस्पताल का दौरा किया है और एक बेहतरीन अस्पताल बनकर भगवती नगर में तैयार हो चुका है। 125 ICU बेड जो हैं वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और लगभग 500 बेडेड का ये अस्पताल का निर्माण जो है वो DRDO द्वारा किया गया है। एक अस्पताल जम्मू में और दूसरा अस्पताल श्रीनगर में जो है वो बनाया गया है, और कल इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया गया और उसका उद्घाटन भी कर दिया गया, जिसके बाद आज रविंदर रैना जी ने यहाँ का दौरा यहाँ पर किया है और जितने भी जो मेडिकल के जो स्टाफ हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं रविंदर रैना जी, रैना साहब एक सवाल छोटा सा, एक तो ये देखिए रविंदर रैना जी से एक दो सवाल करेंगे। रैना साहब, कल यहाँ का कल उपराज्यपाल ने भी यहाँ का दौरा किया और ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट इसका कर दिया गया है, क्या लगता है कितनी बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर के लिए और केंद्र सरकार के लिए कि महज 15 से 20 दिनों में इतना बड़ा अस्पताल बनकर तैयार हो गया? केंद्र की, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, जो इतना बड़ा कोविड केयर हॉस्पिटल जिसका निर्माण सिर्फ 15 दिनों के अंदर अंदर जम्मू के अंदर हुआ है। सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का ये चेन टूटे और कोरोना मुक्त भारत हो। और 15 दिनों के अंदर अंदर ये जो विशाल का हॉस्पिटल जम्मू में बना है, 500 बेडेड फुली एयर कंडीशन हॉस्पिटल है, ICU हॉस्पिटल है, हर बेड के साथ वेंटिलेटर है, जिसकी सारी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इस हॉस्पिटल के बनने से यहाँ की जनता को बहुत लाभ होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को 7 वर्ष पूरे हुए, और जब प्रधानमंत्री जी के इन 7 वर्षों में अतुलनीय कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, यहाँ देश के रक्षा तंत्र को मजबूत किया, चीन और पाकिस्तान जैसे खुरापाती पड़ोसियों को आईना दिखाया, उनके दांत युद्ध के मैदान में खट्टे किए, वहीं देश के अंदर डेवलपमेंट विकास के कार्य किए, गरीब मजदूर किसान समाज के हर वर्ग की चिंता मोदी सरकार ने की, गरीब माताओं बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर मोदी सरकार ने दिए, किसान सम्मान निधि के तौर पर गरीब परिवारों में हर किसान के खाते में साल के 6,000 रुपया मोदी सरकार ने दिए, जनधन योजना के तहत लोगों के अकाउंट्स में पैसे डाले, कांग्रेस के ज़माने में 100 रुपया गरीब लोगों को पेंशन होती थी, 1,000-1,000 रुपया पेंशन की, कोरोना के इस मुश्किल काल में 80 करोड़ परिवारों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया, देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर मजबूत किया। और आज पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान का डंका बजता है तो उसमें नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हमें पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार मोदी साहब देश की जनता की भलाई के कार्य करते रहेंगे और देश को मजबूत करते रहेंगे। वो दिन ज़रूर आएगा जब भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरेगा। जी, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शुरू से ही 370 टूटने के बाद ये कहते थे कि केंद्र सरकार ने जम्मू के लिए कुछ नहीं किया, इतना बड़ा अस्पताल बनकर तैयार हो गया, नरेंद्र मोदी नवेड़ी में भी एक बहुत बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है? जी, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने यहाँ जम्मू कश्मीर को 2-2 एम्स दिए, 6-6 मेडिकल कॉलेज दिए। परसों ही जो अनाउंसमेंट हुई है, जिसका द पब्लिश आपने, जिसको न्यूज़ ब्रेक की थी आपने, कि जम्मू संभाग के नौशहरा के लंबेड़ी में मदर चाइल्ड केयर एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल वो बनने वाला है। तो इतना बड़े विशाल कार्य काम जो है वो मोदी सरकार ने किए हैं। DRDO के 2-2 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का निर्माण 15 दिनों के अंदर किया गया, ये मोदी सरकार की देन है। मोदी सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी एक संत फकीर हैं, अवतारी पुरुष हैं, उन्होंने देश कि जनता का जो भला किया है कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रविंदर रैना जी ने आज यहाँ का दौरा किया है, उनके साथ जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी ने भी उनके साथ यहाँ का दौरा किया है, और तमाम जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका यहाँ पर जायज़ा लिया गया और किस तरह का
यहाँ का कार्य रहेगा उसका भी यहाँ पर जायजा लिया है और एक बेहतरीन काम DRDO द्वारा यहाँ पर किया गया और महज 15 से 20 दिनों में इतना विशाल अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। बने रहें द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।